आपने एक राज्य विहीन को मित्र बनाया, आपका हृदय सागर से भी गहरा है प्रभु। महाराज मैं आपको वचन देता हूँ, जिस बारी में आप अधर्म पूर्वक आपकी पत्नी का अपहरण करके आपसे राज्य छीन लिया, मैं उसका वध करके आपका राज्य आपको वापस दिलवाऊंगा। ए बाली, ठहरो। अच्छा साथ निभाया, क्या साथ दिया कृपालु रघुवीर। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, बाली मेरा भाई नहीं मेरा काल है, फिर भी आपने मुझे उकसाकर उसे मारने के लिए भेजा और आप छिपकर मेरी मौत का तमाशा देखते रहे। तुम्हारा रोष उचित है, परंतु मेरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करो। तुम दोनों भाई और तुम्हारा रूप भी एक जैसा है, तुम्हें लग जाता तुम्हारे हृदय को विलीन कर देता तो क्या होता। प्रभु अब मेरे लिए क्या आ गया। बाली से प्रतिकार, लक्ष्मण निशानी के लिए सुग्रीव जी को एक माला पहनाओ। जी भैया। ताकि हम दोनों को पहचान सके। जो आ गया प्रभु। मतलब कितने बहन चिंता रहा, बिल्कुल पसंद नहीं लगा मैं है क्या इस तरह उतना आएगा सोने में अस्ता चुकवा गए है। मतलब कोई शर्म लाज चाहिए नहीं, बड़ा भाई जी कोई इज्जत नहीं, कि थोड़ा वैसे पूछू मुझे पर तेरे कोई शर्म नहीं की भाई जी है। हल्दी तेल लगे क्या क्या। हाँ हाँ हल्दी तेल क्या इधर कमीन। हाँ छोड़ बोले मेरे दिल जीतेल बोले ऑस्ट्री जन ऑस्ट्री चम ठीक हो गया ना तू। हाँ परंतु आज फिर खराब हो क्या हुआ। रिकॉर्ड कैन मंच कैन मंच आज बहुत कुछ है ना तेरे तू तुम्हारा क्या हुआ तब सीधा कुटा हो नंदन रघुकुल भूषण। तो तुम्ही वो राम हो हा जिसकी कीर्ति का पताका पूरे आर्यवर्त में फहरा रहा है। हाँ यही है श्री राम। ए धर्म ध्वजाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे बस इतना बता दो कि कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है, इस तरह आठ से छुपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है। बोलो राम बोलो। इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। ब-
बहुत दया दिखा रहे हो श्री राम, परंतु एक बात का उत्तर तो दो, लड़ाई तो हम दो भाइयों के बीच। और सुग्रीव हमारा मित्र है, तुमने उसके तने की प्रतिज्ञा ले चुके थे, और भगवान श्री जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को निभाते हैं। पर अपहाड़ों की आड़ में छुपाई एक कायर क्या तुम्हारी सहायता करेगा? इसके लिए तुम किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते रावण जैसी दुरात्मा ने सीता माता को सागर की अंतर गहराइयों में, पाताल में, आकाश में कहीं भी छुपाया होता, मैं उन्हें तुम्हारे चरणों में डाल देता। परंतु तुमने दुष्कर्म किए हैं, तुमने मुझे अधर्म पूर्वक मारा है राम। जो जीवाई मारे हो मोही व्याध की नारा, अब तुम कवन नाथ मोही मारा, कारण कवन नाथ मोही। स्वयं इसका विचार कभी नहीं किया, इन सबके बारे में तो तुम स्वयं भी नहीं जानते। गुरु से धर्म का ज्ञान ठीक प्रकार से लिए बिना आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देने जा रहे हो, परंतु तुमने तो कभी किसी मर्यादा का पालन नहीं किया। तुमने अपने भाई के साथ अन्याय करके उसे राज्य से निकाल दिया और उसके तिथि दिन उसकी पत्नी रुमा को अधर्म और अनीति पूर्वक पत्नी के भांति अपने आधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उचित दंड माना गया है। इसलिए धर्मानुसार मैंने तुम्हें मृत्यु पर दंड दिया, ये सर्वथा उचित माना जाएगा। मेरे अंतो मन के चक्षु खुल चुके हैं, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया हो। इस कार्य में मैंने आपके लिए बहुत से अनुचित शब्द कहे हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मेरी मृत्यु से पूर्व मुझे अपने चरण रज देकर मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दीजिए प्रभु। पहचानो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा नाम हनुमान कैसे पड़ा है। हनुमान पहचानो अपनी शक्तियों को, हनुमान पहचानो तुम ही ये सवेरा समुद्र पार कर सकते हो। तुम ये समुद्र तो क्या, तुम ये पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आ सकते हो। न आप से होए जो आप विचारो, न आप से होए जो आप विचारो, सात समंदर जान सरोवर लाघो एक छलांग जो मारो, लाघो एक छलांग जो मारो, तीनों लोक में कोई नहीं, महाराज रावण की। हम तो तुमसे अति प्रेम करते हैं,
ऐसा अनुपम सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें प्रदान किया है। इसके पश्चात उन्होंने ऐसा सौंदर्य इस संसार में किसी को नहीं दिया। ऐसी सुंदर स्त्री को इस प्रकार पृथ्वी पर सोना शोभा नहीं देता। कई कई दिनों तक उपवास रखना, मैले वस्त्र पहनना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। जो मेरे भाग्य में लिखा है वह संसार के किसी भी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। राघव की पत्नी अब उसमें रखा ही क्या है? मूर्ख स्त्री, उस वनवासी के सपने देखना छोड़ दे। पहले तो उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहां हो, और अगर उसे पता चल भी गया तो लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। सीते चुपचाप अपनी सम्मति से मेरी शरण में आ जाओ। याद रखो रावण, जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रभा से कभी अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं भी रघुवीर से कभी अलग नहीं हो सकती। मैं एक पतिव्रता हूँ, मैंने एक बड़े कुंड में जन्म लिया है। मुझसे अपना मन हटा लो पापी, वरना अपने पाप की आग में तुम स्वयं लंका से समाप्त हो जाओगे। हम अपनी भ्रुकुटी मात हिला दे तो सूर्य चंद्रमा नवग्रह सब अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। देव दानव राक्षस असुर सब हमारे आगे उसकी प्रतीक्षा करते हैं। यदि ऐसे ही गर्व था अपने वीरता पर, इसका एक ही दंड है कि मैं इस चंद्रहास खड़गर से तुम्हारा शीश काटूं। तुम्हें एक ही बात बचा सकती है कि चुपचाप तुम हमारी शरण में आ जाओ, और तुम्हें भी श्री राम की शरण में चले जाओ। वो शरण में आने वाले के सारे दोष माफ कर देते हैं, और मुझे भक्ति और आदर के साथ प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दो, वरना वो लंका की ईंट से ईंट भजा देंगे। संघार इस मूर्ख स्त्री को, वरना मैं तुम सबका सरकार दूंगा। चंद्रहस्त खड़क, यदि तुम भगवान शिव का वरदान हो तो इस पापी से मेरी रक्षा करो, इस पापी से मेरी रक्षा करो। कौन बचाएगा तुम्हें हमसे? सिपाहियों समझाओ इस मूर्ख को। जो आज्ञा महाराज। काट दो, छील दो। रावण तो क्या, मैं रावण की छाया को भी छू नहीं सकती। मुझ पे इतनी दया करो, मुझे मार दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे मार दो। देख सीता, जैसा जैसा लंकेश ने कहा है वैसा वैसा कर, नहीं तो ये जितने फल है वो तुझे खिलाऊंगा और फिर खुद खा जाऊंगा तुझे। तुम इस प्रकार इस बेचारी को क्यों सता रही हो? तो क्या करे, हमारे लंकेश की आज्ञा नहीं मानती। उस महाकाल का भय करो जो इस समय अपना मुंह खोले लंका को अपना आहार बनकर आ गया है, और यह भी देखा कि लंका का विध्वंस कैसे होगा। वही बचेगा जो राम और सीता की शरण में होगा। पुत्री सीता, तू व्यर्थ के आंसू मत बहाओ। सत्य है, वैसे भी ये भोर का शब्द है, और भोर का शब्द सदा सत्य ही होता है। हटो, तुम इसे सताना छोड़ दो और यहाँ से जाओ। पुत्री सीता, इन पर क्रोधित ना होना। मुझे किसी पे क्रोध नहीं आता माता, हम सबको तो एक न एक दिन अपनी गोद में लेती है। मुझ पे इतनी दया कर माँ, मुझे आज ही अपनी गोद में ले ले। मेरा जीना असहाय हो गया है, मुझे आज ही अपनी गोद में ले ले।
परंतु माँ प्रभु श्री राम कैसे आएंगे, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। वो अवश्य आएंगे पुत्री, तुम व्याकुल मत हो। कहत सुनत आवे अखियों में पानी।